अपन भाइयों अन्नदाता सलाहकार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज अपन बात करेंगे मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना किस प्रकार लिया जाता है और नमूना लेते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो पीछे हमने एक वी शेप का गड्ढा खोदा है जिसके अंदर से हमारे डॉक्टर साहब कमलेश जी पाटीदार सोइल सैंपल के लिए नमूना कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें हमने ऊपर की सारी मिट्टी जो कि फसल अवशेष वगैरह बचता है उसको हटा दिया है पावड़े की सहायता से। जैसे कि पावड़ा आप सब जानते हैं, पावड़ा इस प्रकार से होता है जिसकी सहायता से हमने सारी मिट्टी हटा दी है ऊपर की, और अब ये वी शेप की खुरपी की सहायता से हम साइड में खरोच कर मिट्टी का नमूना कलेक्ट करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे हम मिट्टी का नमूना हर जगह से 200 से 250 ग्राम कलेक्ट कर रहे हैं जो कि हम एक कपड़े के बैग में ले रहे हैं, हर जगह से एकत्रित कर रहे हैं। इस प्रकार से हम ये जैसे आप देख रहे हो पूरा एक एकड़ का खेत है जिसके अंदर से कम 5 से 6 जगह से नमूना कलेक्ट करेंगे। नमूना कलेक्ट करते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जैसा कि ये खेत है पावड़े की सहायता, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था अभी पावड़े की सहायता से ऊपर की सारी मिट्टी 5 इंच तक हटाई हम, उसी के साथ नीचे से हम वी आकार का शेप बनाएंगे सा, उसको हम खुरपी की सहायता से बनाएंगे, उसके साइड से हम खरोच के 200 ग्राम मिट्टी निकालेंगे। और उसी प्रकार एक सावधानी ये बरतनी है आपको, जैसे कि ऊपर की जो फसल अवशेष बचा है उसको हटाना है अपन को 5 इंच तक, उसके साथ अपन को मेड़ के पास से किसी प्रकार से मिट्टी का नमूना कलेक्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे सही प्रकार से मिट्टी का सोइल सैंपल नहीं लिया जा सकता है। उसी प्रकार आप जैसे कि पीछे देख रहे हो कुछ हरा हरा दिख रहा है वो फसल लगी हुई है, जैसे कि मतलब पशुओं के लिए हरी घास वगैरह लगाते हैं आप, वो लगी हुई है, तो उस चारी के पास से अपन नमूना नहीं कलेक्ट करेंगे क्योंकि वहां पे भी नमी बनी रहती है। खेत में अगर किसी प्रकार से किसी की मोटर ट्यूबवेल वगैरह का पाइपलाइन वगैरह डली हुई है तो कहीं पे लीकेज हो रहा है तो उसके पास से भी आप नमूना कलेक्ट ना करें। उसी प्रकार अगर खरपतवार है कहीं पे खरपतवार के पास से भी आपको नमूना कलेक्ट नहीं करना है। इसी प्रकार अगर आपको मिट्टी का नमूना कलेक्ट करना है, जैसे कि ये एक एकड़ का फील्ड है पूरा एक ही बिल्ड का फील्ड है तो इसके अंदर से हम 5 से 7 जगह से नमूना कलेक्ट करेंगे। उस नमूने को हम सारे को एक समतल स्थान पर एकत्रित करेंगे, उसके अंदर क्रॉस करते हुए आमने सामने की मिट्टी लेते रहेंगे जब तक कि मिट्टी 500 ग्राम ना बचे, क्योंकि लेप के अंदर 500 ग्राम मिट्टी भेजी जाती है जिसका मिट्टी परीक्षण होता है। मिट्टी परीक्षण में आपको पता चलता है पीएच मान, विद्युत चालकता, साथ ही साथ अपने ऑर्गेनिक कार्बन, प्राथमिक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, साथ ही में अपने जो भी कैल्शियम मैग्नीशियम माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक बोरॉन वगैरह गंधक वगैरह के बारे में आपको सारा पता मिट्टी परीक्षण से पता चलता है। इसी प्रकार अपन अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, अपन को पता चलता है अपने शरीर के अंदर कौन से तत्व की कमी है या ब्लड कम है। उसी प्रकार मिट्टी का परीक्षण करवाना भी बहुत आवश्यक है। मिट्टी परीक्षण करवाने के लिए जो 500 ग्राम मिट्टी होती है उसको लेप में भेजा जाता है, उसके ऊपर एक पॉलीथिन में भर के रखते हैं उसको, उसके ऊपर एक टैग लगाते हैं जैसे कि आपका खेत का जो भी XYZ नाम है, संतरे के बगीचा वाला खेत या आपका कोई कुआ है उसका नाम होगा XYZ जो आपके लिए आपने उसका नामकरण कर रखा होगा, उस नाम से उस थैली के ऊपर टैग लगाना है आपको। अगर आपका कोई ऑर्डर आईडी है तो ऑर्डर आईडी से आपको टैग लगाना है, साथ ही उसमें लिखना है कि आपने पहले कौन सी फसल लगाई थी उसमें, जैसे कि इससे पहले जो सीजन निकली है उसमें आपने क्या लगा रखा था, उसमें लहसुन लगा रखी थी या आपने गेहूं लगा रखा था, तो उस टैग के अंदर आपको पुरानी फसल के बारे में भी दर्शाना है। साथ ही साथ में आने वाली सीजन उसमें आप क्या लगाना चाहते हैं, आप मक्का लगाना चाहते हैं, सोयाबीन लगाना चाहते हैं, इस प्रकार से आपको टैग बनाकर उसको लेब में भेजना है। लेब में भेजने के लिए भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अगर आप मंदसौर नीमच के आसपास किसी भी एरिया सपोर्ट करते हैं तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट अवश्य करें। और अधिक जानकारी के लिए आप अन्नदाता सलाहकार यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं आपको जानकारी कैसी लगी है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।